पाठ शाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोग का पाठ शाला ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। यहां पर हम लोग पढ़ कर रहे हैं गेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 1। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरची। 10 क्वेश्चन होंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, मजा ही आ जाने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यू मिल जाएंगे। कोई डाउट आए तो हमें हमारे जो पाठशाला ज्ञान gmail.com वाला मेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो जाइए वहां से मेल कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी PDFs आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हमारी टीम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहती है। जुड़े रहना है, बने रहना है, देखते रहना है पाठशाला ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर OP ऑफ द पॉइंट P 2010 इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन XY प्लेन बाय एन एंगल ऑफ थीटा। देखो क्या है, देखो P को Q तक ले जाया गया है, ठीक है, थीटा एंगल मूव करके, जिसकी वैल्यू कितनी 30 डिग्री है। अब P ने क्या किया, Q की पोजीशन ले ली है सोन इन फिगर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q बताने, P के हमें पता है। अब देखो P के कितने हैं, 20 और 10 है, तो ऑब्वियसली बात है Q के देखो आप, तो Q में क्या होगा, X की वैल्यू कम हो जाएगी, Y की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, X की वैल्यू कम हो जाएगी, Y की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो X की वैल्यू देखो कम होनी है, तो X की वैल्यू किन में कम है, आप देखो 20 से कम किस में है, A में है, C में है, D में है। ये एक हो सकता है आंसर देने का तरीका, जरूरी नहीं है कि आंसर देने का तरीका सही निकाला है, पर एक बार चेक करने में क्या बुरा है। और Y की वैल्यू 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो B आंसर डायरेक्टली गलत हो जाएगा और 3 आंसर है, मतलब इससे आंसर नहीं कर सकते। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, अगर देखो हमारा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हो रही हो तो हमें रोबोटिक्स में फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, रोबोटिक्स इज इन सिलेबस ऑफ गेट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में हम जो पी के पॉइंट्स हैं 20 और 10 उनका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, है ना, और उससे हम पॉइंट निकाल लेंगे आर के, फाइनल पॉइंट क्यू के निकाल लेंगे हम, मल्टीप्लाई करा दो, है ना। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराओ, कितना आ जाएगा 20 cos 30 माइनस 10 sin 30 और ठीक है ये कितना हो गया 20 sin 30 प्लस 10 cos 30। सॉल्व करोगे 12.32 13.66 आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी और सी आपका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, कंसीडर एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस कीपिंग ऑल द प्रोसेस अनचेंज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मॉडिफाइड साइकिल। देखो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा थ्रॉटलिंग डिवाइस है ये हम लोग करते हैं हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, डोमेस्टिक ACs वगैरह होते हैं, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। पर जब हम लोग प्लेन चलाते हैं प्लेन, है ना, तो वहाँ पर ब्रेटॉन साइकिल यूज़ होती है, वहाँ पर हम लोग ये थ्रॉटलिंग का यूज़ नहीं करते एयर के लिए। जो प्लेन्स में जो AC लगे रहते हैं उनके लिए हम लोग स्पेशली आपके आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, वहाँ पे डिवाइस लगाते हैं एक्सपांशन डिवाइस, है ना, वो हायर वॉल्यूम के लिए स्पेशली होता है। पर अगर हम BCRS में वो लगा देंगे तो क्या होगा, सिंपल सा याद रखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो सी आंसर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज हायर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल साइकिल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अब पैराबोला XY² एक्स बराबर Y² फ्रॉम 0 to 1 इज सोन इन द फिगर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रोटेशन ऑब्टेंड बाय रोटेटिंग द एरिया बाय 360 द X एक्सिस। देखो क्या एक प्लेट ले लो, सिंपल सा आपने, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जब कास्टिंग पढ़ते हो तो कास्टिंग में हम लोग बैल बनाने के लिए, 3D कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोग एक माउल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरीके का एक प्लेट ले लो, एक प्लेट, उस प्लेट को ऐसे रोटेट कर दो 360, और उससे क्या बनेगा आप खुद देखो, एक पूरा एक पैराबोला बनकर आएगा, एक पूरा रोटेशन अगर इस प्लेट का ऐसे आप चारों तरफ करोगे और उसको ड्रॉ करोगे तो एक पूरा रोटेशन करने के बाद एक वॉल्यूम शेप का कुछ बनकर आएगा पैराबोला, ठीक है।
तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आंसर देख लो, पाई बाई टू, टू पाई, पाई पाई बाई फोर, आंसर होता है वॉल्यूम बनाने का पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है एक्स, पाई एक्स डी एक्स जीरो टू वन, पाई एक्स स्क्वायर वाई टू जीरो टू वन, पाई बाई टू, आंसर इज ए। ओके चलिए, अ सिलेंडर रॉड ऑफ लेंथ एल डायमीटर डी एंड थर्मल कंडक्टिविटी के वन इज जॉइंड विद एन अनदर रॉड ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। पहली चीज, सिलेंडर सुन के लोगों ने सिलेंडर रॉड का ज्यूम कर लिया होगा, पर ये सिलेंडर नहीं, आप पढ़े देख क्या है, एक अलग टाइप का सिलेंडर की स्पेलिंग है, ठीक है। ये सिलेंडर एक टाइप की बीम होती है जो हम लोग कॉलम्स में यूज करते हैं सोम में, ठीक है, ये सिंपल एक बीम टाइप की होने वाली है। एंड द देखो, एक रॉड है K1 कंडक्टिविटी की, एक है K2 कंडक्टिविटी की। टू फॉर्म अ कंपोजिट सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 2L, द हीट ट्रांसफर इन रेडियल डायरेक्शन एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड इज, ठीक है। आप ऐसे रैपर को समझो, इन्हें जोड़ दिया आपस में और इनके जो रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है, एक रेडियल डायरेक्शन है, इससे कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन से नेगलिजिबल है हीट लॉस। तो इसका K1 है, इसका K2 अगर सीरीज में जुड़ रहे हैं तो सिंपली देखो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाने वाला है, R बराबर R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस क्या होता है हीट ट्रांसफर में, L बाई K। तो देखो पहले पहले अगर हम कंपोजिट रॉड के लिए निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगी लेंथ, के इक्विवेलेंट निकाल लें, R1 कितना हो जाएगा, L बाई K1, ये हो जाएगा एल वाई के टू, सॉल्व करोगे के इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 2K1 अपॉन K1 प्लस K2, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, dy ओवर dx प्लस 7x स्क्वायर y बराबर 0, इफ y 0 बराबर 3y 7, देन y 1 इज, देखो सिंपल को क्या करना है, dy ओवर dx बराबर माइनस 7x स्क्वायर y कर दो, फिर dy को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी भाई को इधर ले आओ, इधर कर दो माइनस 7x स्क्वायर, है ना। अब इधर पहुंच गया dx, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। आगे देखो, दोनों को इंटीग्रेट किया तो ये निकल आएगा ln y, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 7y3x³ प्लस c। अब यहाँ पे दिया गया है कि y की वैल्यू जीरो रख, x की वैल्यू जीरो रखने पे y की वैल्यू 3y7 है, तो x की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे, x की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 3y7, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, ln 3y7। अब सिंपल कुछ नहीं है, अब सिंपल आप वैल्यू यहाँ पे 3y7 रख दो, ठीक है, ln 3y7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, आंसर विल कम आउट टू ना आ जाएगा पहले तो, ठीक है, आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, है ना, सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 रख दोगे, x की वैल्यू 1 रखो तो 3y7 e की पावर माइनस 7y3, आंसर सी, टाइटली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड प्रोवाइड्स द हाइएस्ट हीट फ्लक्स वॉट पर mm स्क्वायर, तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, लेजर बीम का सबसे हाई होता है हीट फ्लक्स, एक बार देख लो, सबसे पहले गैस वेल्डिंग का आता है, फिर होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, फिर आता है गैस, ठीक है, आर्क वेल्डिंग का, ठीक है, उसके बाद आता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का, फिर EVM का, फिर LVM का, ये हीट फ्लक्स का रेशियो दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग एन नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वन और टू एग्जीक्यूटेड बाय अ परफेक्ट गैस, द हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द वर्क इंट्रैक्शन देन द प्रोसेस। आपको याद करना पड़ेगा, आपका फॉर्मूला होता है DQ बराबर DU प्लस DW, ठीक है, DU जीरो हो जाए तो DQ किसके बराबर हो जाएगा, DW के बराबर हो जाएगा, फॉर अ प्रोसेस, साइकिल नहीं, प्रोसेस। तो DU कब जीरो होगा, जब ये आइसोथर्मल बन जाए, जब इसके टेम्परेचर बराबर हो जाए, T2 बराबर T1 हो जाए, तो आइसोथर्मल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, P 100 110 011, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ पी इज 1 λ 1 0 0 1 λ 1 0 0 1 λ, ऐसे ही निकालते हैं अपन आइगन वैल्यूज, a माइनस लैम्डा आई से,
निकालते हैं ना, अब इसको सॉल्व करो इस मैट्राइसिस को, इसको ओपन करो, जब इसको ओपन करोगे ना तो इट विल, और इसको किसके है ना आइगन वैल्यूज निकालना है, तो ए माइनस लैम्डा आई को जीरो में सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, इसे डिटर्मिनेंट बनाओगे और इसे सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू वन माइनस लैम्डा का क्यूब बराबर जीरो, तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई, वन वन वन, डिस्टेंट वैल्यू कितनी है, एक ही है क्योंकि वन ही है। ए अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लार्ज स्टॉक ऑफ टाइटेनियम रॉड्स फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन म्यू ऑफ द 440 mm एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 mm, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द रॉड हुज लेंथ लाइज बिटवीन द 438 mm एंड 441 mm। सिंपल समझिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हो उसने हमें म्यू की वैल्यू, मीन की वैल्यू दे दी है और डेविएशन दे दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो कह रहा है जो रॉड की जो लेंथ है वो 438 mm से 441 mm तक वेरी कर सकती है, तो उसने परसेंटेज ऑफ रॉड्स पूछा है, ठीक है, कितनी परसेंट ऑफ रॉड होगी जिनका इतना वेरिएशन होगा। तो सिंपल समझो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Z बराबर X माइनस म्यू बाई सिग्मा, यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू है मीन और X की वैल्यू आपको 438 से लेके 441 दी गई है, ठीक है, आप 438 रखो, Z की वैल्यू आ गई -2, आप Z की वैल्यू निकालो 441 पे आ जाएगी 1। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है, अब ये देखिए -2 से 2, -1 से 1 और -3 से 3, इनकी तीनों की वैल्यू होती है, अगर -1 से 1 हो तो इसकी वैल्यू होती है 68%, -3 से 3 हो तो 99.70, -2 से 2 तो 95.3, पर हमारी वैल्यू कितनी आई है -2 से 1, तो -2 से 0 करो तो -2 से 2 अगर 95.3 है तो -2 से 0 कितना आ जाएगा 95.3 + 2/2 प्लस 0 से 1 कितना आ जाएगा ÷2, 68 ÷2, दोनों को जोड़ दो जितना आएगा वही हमारी वैल्यू है। आंसर हमारा किस में है, आंसर हमारा पूछा है उन्होंने परसेंटेज में, तो आंसर जब दोगे ना तो आंसर विल कम आउट टू 81.85। बहुत प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन कैसे है ये क्वेश्चन 90% बच्चा पेपर में बना ही नहीं पाया था, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। अ फ्लैट फेस्ड फॉलोअर इज ड्रिवन यूजिंग अ सर्कुलर एसेंट्रिक कैम रोटेटिंग एट अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या है देखो, एक फ्लैट फेस्ड फॉलोअर है, फ्लैट है, इसेंट्रिक कैम है, देखो इसका सेंटर से ना होकर यहाँ पर इसके ई डिस्टेंस पर ये सेंट्रिक है, वर्टिकल पोजीशन ऑफ द फॉलोअर वाई जीरो पर जीरो है, तो वाई नॉट वाई जीरो पर जीरो है, द सिस्टम इज इन कन्फिग्रेशन एज सोन इन, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉलोअर क्या होता है, आपको पता है ये स्प्रिंग से जुड़ा होता है ऊपर, अब ये कैम क्या होती है, रोटेट करती है, रोटेट करती है, तो ये फॉलोअर क्या होता है, ऊपर नीचे मूव करता है, तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ द फॉलोअर पूछ रहा है, वाई टी इज गिवन बाय, सिंपली देखो जब ये कैम रोटेट करेगी तो पहले इस पोजीशन पे थी, आफ्टर वाई टी समझ लो इस पोजीशन पे पहुंच गई, इस पोजीशन पे, ठीक है, ये कैम इधर पहुंच गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, चलो स्प्रिंग को हटा दो, फॉलोअर का मूवमेंट देख लो, स्प्रिंग को निकाल दिया, फॉलोअर का ही मूवमेंट देख लो कैम की जगह, फॉलोअर को ही घुमा लो, तो फॉलोअर को घुमाया तो अभी फॉलोअर यहाँ पर आ गया, कुछ पहले फॉलोअर यहाँ पे था, तो सिंपल समझो, ये पॉइंट मान लो सी डैस है ना, ये पॉइंट मान लो तुम अपना बी, ये कैम है तो कैम से ये पॉइंट इसके पैरेलल में ले लो बी डैस, तो ये देख लो इसका छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, ये पॉइंट क्या हो गया सी हो गया, ये बी डैस बी, ठीक है, ये एंगल मान लो तुम, ये पॉइंट पी, यहाँ पे एंगल मान लो थीटा, ठीक है, ओमेगा, जिसके अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो बाई ने मूवमेंट कितना किया है, बाई ने मूवमेंट इतना किया है कि वो ओबी से ओबी डैश घूमे हैं, है ना, ओबी से इसेंट्रिक कैम के रोटेशन के थ्रू देखना पड़ेगा ना हमें, क्यों, हमें इसके थ्रू तो चाहिए नहीं, हमें रोटेशन इसके थ्रू देखना है,
तो रोटेशन हमने इसके ओबी से ओबी डैश चलाए, ये ओबी से ओबी डैश चलाए, तो सिंपली आप ये समझो हमने इसके पहले ये जो लाइन है पीएम, ठीक है पीएम, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था है ना, लेकिन इसके अराउंड लेना है अपन को ओबी डैश के अराउंड। तो ओबी डैश माइनस ओबी, इतना रोटेशन हुआ है, तो ओबी डैश, ओबी डैश पैरेलल है सीएम के, ये सीएम है डिस्टेंस है, सीएम लिख लो माइनस ओबी। सीएम को क्या लिख सकते हो, पीसी माइनस पीएम माइनस ओबी। पीसी कितना हो सकता है, पीसी तो हमारा आर है, आर हो गया। पीएम कितना हो सकता है, देखो हमारा ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस ई है, तो ये ई कॉस थीटा हो गया, तो माइनस ई कॉस थीटा। माइनस ओबी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस थी आर, ये डिस्टेंस थी ई, तो आर माइनस ई। अब सॉल्व करो कि ई वन माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, ई वन माइनस कॉस ओमेगा टी इज द आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, यही इसका आंसर था। अच्छा लगा वो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसके नोट्स को डाउनलोड करना है तो हमारे पाठशाला ज्ञान का टेलीग्राम चैनल से आप इसके नोट निकाल लीजिए, जाइए लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई, और कोई भी क्वेरी हो तो पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल पे मेल करिए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए आपका आपका ही अपना चैनल पाठशाला।